आखिरकार एक साल बाद गायब हुए बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया। जेजे मार्ग पुलिस थाने में शहीद हेमंत करकरे की बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। छब्बीस ग्यारह हमले के दिन कसाब और उसके साथी से मुकाबला करने के लिए शहीद हेमंत करकरे अपने साथियों के साथ कामा अस्पताल की गली में घुसे थे। अस्पताल की गली में घुसने से पहले हेमंत करकरे ने अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। बावजूद इसके हेमंत करकरे के सीने में गोलियां लगी थी, जैकेट को गोलियां छेद कर गई थी। ताज्जुब तो तब हुआ जब जेजे अस्पताल से शहीद हेमंत करकरे का जैकेट गायब हो गया। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद इस पर कोई हरकत नहीं हो रही थी। आखिर में मझगांव कोर्ट के आदेश के बाद जेजे मार्ग पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया। देखिए, आप सभी को ये जानकारी है कि 26 ग्यारह का जो आतंकवादी हादसा हुआ है, और ये हादसे में जब माननीय शहीद करकरे साहब जब ये हादसे में आतंकवादी के साथ हमला करते हुए जा रहे थे, और आप सभी को मालूम है, सारी जनता ने देखा है, मीडिया ने ये बताया कि करकरे साहब ने जैकेट पहना हुआ था और फिर भी वो उनकी मौत हो गई, मतलब शहीद हो चुके हैं। और उनकी जो मिसेज है, उन्होंने आरटीआई इन्फॉर्मेशन से पूरी जानकारी निकाली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हादसे के दरमियान उन्होंने जो जैकेट पहना हुआ था वो जैकेट मिसिंग बताया जा रहा था, और जो मिसिंग जैकेट था यानी जो चोरी हुआ था जैकेट, उसके खिलाफ हमने जेजे पुलिस स्टेशन में आज यहाँ पे आके फिरियाद बुक की है, दर्ज की हुई है। जेजे अस्पताल से गायब बुलेट प्रूफ जैकेट के मसले को शहीद हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने भी उठाया था। जैकेट को लेकर कविता करकरे ने कई आरोप लगाए थे। 6 महीने के बाद मुझे लग ही रहा था उसी दिन कि ये जो जैकेट है वो गायब ही हो गया है, लेकिन इतना होश नहीं था कुछ आरटीआई का एप्लीकेशन करने के लिए। अभी 2 महीने पहले मैंने आरटीआई में एप्लीकेशन किया, तभी मुझे मालूम हो गया कि ये जैकेट गायब हो गया है, जैकेट इज मिसिंग। और जो मुझे लग ही रहा था वैसे ही हो गया कि जैकेट वॉज मिसिंग। एंड देन आई केम टू नो वेयर इन दैट फाइल वेयर डेटा वॉज मेंशन अबाउट द परचेसिंग ऑफ द फाइल, दैट फाइल ऑल्सो वॉज मिसिंग। ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर वह बुलेट प्रूफ जैकेट गया कहाँ जिसे शहीद हेमंत करकरे ने पहना था। किसने चुराया उस जैकेट को? क्यों चुराया गया जैकेट को? ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ था बुलेट प्रूफ जैकेट में? असल में अंदेशा यह जताया जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी घटिया थी, इसीलिए जैकेट को गोलियां पार कर गई थी। ऐसे में वे जांच के घेरे में आ जाते जिन्होंने जैकेट की खरीदारी की थी। अगर इसकी ईमानदारी से जांच हुई तो कई ऐसे सच्चाइयां सामने आ जाएंगी जिससे सारा देश हिल जाएगा। शहीदों की शहादत ने अपना असर दिखाया। पूरे एक साल बाद जैकेट चोरी का मामला आखिर बेनकाब हुआ। सवाल ये उठता है कि क्या अब जैकेट चोर या इस साजिश में जो लोग शामिल थे, पुलिस उन तक पहुंच पाएगी? किसने जैकेट चोरी की? ये मामला अब ज्यादा देर नहीं लगेगा पुलिस को साफ करने में। कैमरा पर्सन सुमन के साथ शाहिद अंसारी, लेमन टीवी, मुंबई।